हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आयुर्वेदा आरोग्य में। मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस होना महिलाओं में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। प्री मेनोपॉज में हड्डियां जल्दी कमजोर व गलने लगती हैं। इसका कारण है प्राकृतिक रूप से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन की कमी होना। हम सभी जानते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की हड्डियाँ पतली व छोटी होती हैं, इसीलिए महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही कॉमन समस्या है। एस्ट्रोजन की कमी होने से मेनोपॉज के बाद बोन डेंसिटी कम होने लगती है, आंतों से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होने लगता है और यूरिन के थ्रू कैल्शियम निकलने लगता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी महिलाएं जिनका पीरियड कम एज में ही स्टार्ट हो गया है, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी होता है क्योंकि उनकी बोन डेंसिटी कम होने लगती है। महिलाओं में एस्ट्रोजन की कमी होने का कारण है महिलाओं का अनियमित पीरियड का होना, और यदि उनमें कैंसर हो गया हो या फिर किसी कारण ओवरी का ऑपरेशन हुआ हो, या जो कम उम्र में ही मेनोपॉज के दौर से गुजर रही हैं, या ऐसी महिलाएं जिनका पीरियड बहुत ही कम आयु में शुरू हो गया हो, ऐसी महिलाओं में बोन डेंसिटी कम होती है। आइए अब हम बात करते हैं कि हम इसका बचाव कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज, बैकवर्ड बेंडिंग वाले एक्सरसाइज, प्राणायाम, ध्यान को जरूर डेली करना चाहिए, और चाय, काफ़ी, चॉकलेट आदि ये सब अगर खाते हैं तो इसका सेवन कम करना चाहिए। आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात करें तो इसमें चंद्रसूर, अलसी बीज चूड़ को बराबर मात्रा में चूड़ बना लें पीस कर, और इसका एक एक चम्मच सुबह शाम सेवन करें, या अश्वगंधा चूड़ और शतावरी चूड़ को बराबर मात्रा में एक एक चम्मच सुबह शाम सेवन करें। अश्वगंधा रिष्ट 20 ml सुबह शाम की मात्रा पानी में मिलाकर सेवन करना चाहिए। इन सब औषधियों के द्वारा और नियमित एक्सरसाइज के द्वारा हम ऑस्टियोपोरोसिस को कुछ हद तक कम कर सकते हैं और मेनोपॉज के सिंड्रोम से भी बच सकते हैं। धन्यवाद।